हम न इस सफ में थे और न उस सफ में थे, रास्ते में खड़े उसको तकते रहे और चुपचाप आंसू बहाते रहे। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा, दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। मैं उसकी शादी की तैयारी में थी, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वैसे तो वक्त हमारा था, चला हो गया। कैप्टन जुनेद क्या गया, लगता है प्रोफेसर अयाज भी इस दुनिया में नहीं। यूसुफजई पठान को अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल था, मगर लौते बेटे की जुदाई ने जब्त के सारे बंधन तोड़ दिए। उम्मीदें दम तोड़ दें, आरजुएं ख्वाब बन जाएं और तमन्नाएं अरमान बन के रह जाएं, तो सीने में दबा गम भी हलकोरे लेने लगता है। प्रोफेसर अयाज घंटों बेटे का लैपटॉप खोले उसका आखिरी पैगाम पढ़ते रहते हैं। There will be very few parents in this whole world who sacrifice their only son in the name of God or their nation. कैप्टन जुनेद की वालदा से बात करके महसूस हुआ जैसे राख में दबी चंगारियां खरीद रहा हूं। माँ तो माँ होती है, लहजे में शफकत, आवाज में ममता की चाशनी मुखातिब हुई तो यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। माँ तेरा मर्तबा बुलंद, तेरा एजाज आला, मगर तेरा दुख भी तो कायनात की वसतों से कम नहीं। माँ तो बेटे की शादी की तैयारियां भी कर चुकी थी। बिल्कुल, मैं उसके लिए लड़की देख रही थी, लड़कियां बहुत देखी और शायद मुझे एक पसंद भी आ गई थी उसके लिए। बहने जुनेद पर जान वारती थी, वो था ही ऐसा लाडला और सबसे प्यार करने वाला। उन्हें यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा भाई उन्हें छोड़कर इतनी दूर चला जाए। अब तो यादों का एक सिलसिला है जो थमने का नाम ही नहीं लेता। जब छोटे थे अपनी साइकिल पे बैठते थे तो पीछे मुझे बिठाते थे हमेशा। एक खास किस्म की उनकी हंसी होती थी जो अभी भी कानों में गूंजती है हमारे। माँ बाप और बहनों का अरमान था इकलौता भाई दुल्हा बने, मगर ये क्या, वो तो अपनी सालगिरह के दिन ही फूलों में लिपटा घर आ गया और सेहरे के सुर्ख फूल उसकी कब्र पर पड़े जर्द हो चुके हैं। ये कब्र कैप्टन जुनेद खान की है। शहीद कैप्टन की कब्र पर फातह खानी करते हुए दिल में उन वालदैन का ख्याल आता है जिन्होंने अपना इकलौता बेटा इस मुल्क पर निछावर कर दिया। शहीद जुनेद ने करोड़ों पाकिस्तानियों के कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करें। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ फयाज राजा, जियो न्यूज़, रावलपिंडी।